बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सी पावर ए इज इक्वल टू बी पावर 2a, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। टू पावर सी इज इक्वल टू 4 पावर ए, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इधर तो बार स्टार्ट है। इन इक्वेशनों को सोल्व करके ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को ले लेंगे, वो है सी पावर ए इज इक्वल टू बी पावर 2a। फिर क्या करेंगे, हम एक रूल का पता है, रूल क्या है, ए पावर एम एन वो बराबर होता है ए पावर एम होल पावर एन के। तो इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा सी पावर ए इज इक्वल टू बी पावर टू होल पावर ए। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ पावर में 1/a को लिख देंगे, इधर भी 1/a को लिख देंगे, इधर भी पावर में 1/a को लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इनको इस तरह करेंगे, रूल इस तरह करेंगे इनको, तो इनको और इनको, तो यहाँ जाएगा सी पावर ए मल्टीप्लाई 1/a, तो यहाँ बी स्क्वेयर होल पावर ए मल्टीप्लाई 1/a, तो यहाँ ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। फिर क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को ले लेंगे, वो क्या है 2 पावर सी इज इक्वल टू 4 पावर ए। फिर क्या करेंगे, ये 4 नहीं है, ये वाला इनको लिख देंगे 2 स्क्वेयर होल पावर ए। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक रूल को अप्लाई करेंगे, वो है ए पावर एम होल पावर एन वो बराबर होता है ए पावर एम एन के, तो यहाँ इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा 2 पावर सी इज इक्वल टू 2 पावर 2a। एक और रूल को अप्लाई करेंगे, ए पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एन वो बराबर होता है एम इज इक्वल टू एन के, तो इन दोनों को भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा सी इज इक्वल टू 2a, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। इक्वेशन नंबर 5 और 4, इन दोनों से इस इक्वेशन से हमें पता चल गया कि सी बराबर है किसके, बी स्क्वेयर के और 2a के, कि ये इन ये तमाम बराबर है, सी बराबर है बी स्क्वेयर के और 2a के। फिर क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को ले लेंगे, वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20। फिर क्या करेंगे, a किसके बराबर होगा, a तो बराबर किसके होगा, बी स्क्वेयर बराबर है 2a के ना, तो a किसके बराबर होगा, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करें 2 के साथ, तो यहाँ a आ जाएगा किसके बराबर, a इज इक्वल टू बी स्क्वेयर डिनोमिनेटर में 2 के बराबर आ गया, तो यहाँ इनकी जगह इनको लिख देंगे, यहाँ जाएगा बी स्क्वेयर डिनोमिनेटर में 2 प्लस बी, और ये सी किसके बराबर, ये बी स्क्वेयर के, ऑलरेडी इधर इक्वेशन नंबर 4 से हमें पता चलता है कि ये किसके बराबर है, बी स्क्वेयर, तो यहाँ सी की जगह बी स्क्वेयर लिख देंगे इज इक्वल टू 20। फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इनका, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस 2b प्लस 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 20। फिर दोनों साइड के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 को और इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ जाएगा इनको और इनको ऐड करो तो इनसे आ जाएगा 3b स्क्वेयर
प्लस टू बी इज इक्वल टू इन से 40। फिर क्या करेंगे, इनको साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा 3b स्क्वेयर प्लस 2b माइनस 40 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ 2b को लिख देंगे 3b स्क्वेयर, इनको लिख देंगे प्लस 12b माइनस 10b माइनस 40 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या करेंगे, इनसे 3b को कामन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा ब्रैकेट में b प्लस 4, और इनसे माइनस 10 को कामन ले लेंगे यहाँ जाएगा b प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। बी प्लस 4 ये वाला और ये वाला ये सेम, इनको कामन ले लेंगे यानी इनको एक ब्रैकेट में लग देंगे, दूसरे ब्रैकेट में 3b माइनस 10 को लिख लेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गया b प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा 3b माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये प्लस 4 नहीं है, ये वाला, इनको इस साइड पर लाएंगे तो b इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस 10 को इस साइड पर लाएंगे 3b इज इक्वल टू 10, फिर दोनों साइड को 3 पर डिवाइड करेंगे इधर, तो ये 3 इनके अंदर, तो यहाँ 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 4। एक वैल्यू आ गई, दूसरी 10/3, ये हमारे पास b की दो वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, c की दो वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या था, वो था c इज इक्वल टू b स्क्वेयर, तो यहाँ b की पहली वैल्यू को लिख देंगे इधर, तो क्या है माइनस 4, तो यहाँ माइनस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 4 होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये 16 के, सी की पहली वैल्यू 16 आ गई। अब इस इक्वेशन को दोबारा ले लेंगे और b की जगह किसको पुट करेंगे, 10/3 को, बी स्क्वायर 10/3 स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ 100 आएगा, क्योंकि यहाँ ये 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इधर नीचे लेके जगह 100। इसी तरह 3 किसके बराबर आएगा, 3 9 के, 3 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 9 के, तो यहाँ जाएगा 100 डिनोमिनेटर में 9। तो हमारे पास सी की दो वैल्यू आ गई, एक 16, दूसरा 100/9। इसके बाद क्या करेंगे, ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे ना, ए की दो वैल्यू को, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 5 क्या था, वो था c इज इक्वल टू 2a। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पर, ये 2 के साथ, तो यहाँ a आ जाएगा किसके बराबर, a इज इक्वल टू c/2। तो यहाँ हमारे पास c की दो वीडियो आई थी ना, c की कौन सी दो वीडियो आई थी, एक आई थी 16, दूसरी 100 डिनोमिनेटर में 9। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 16 को पुट करेंगे a की पहली वैल्यू को फाइंड करने के लिए, 16 को 2 पर डिवाइड करते हैं, इनसे क्या आता है, इनसे आता है 2 1 2, 2 8 16, तो इनसे यार आता है। फिर इस इक्वेशन में c की दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे यानी 100/9, तो यहाँ जाएगा 100 डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 2, 2 50 100, तो यहाँ a की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 50/9।
इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करी, हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अगर ए हमारे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो बी होगा -4 के बराबर और सी 16 के बराबर होगा। इसी तरह अगर ए हमारे पास 15/9 के बराबर है तो बी होगा किसके बराबर, 10/3 के बराबर। इसी तरह सी होगा हमारे पास 100/9 के बराबर। इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।